स्टीम इंजन के रोमांच को बरकरार रखने के लिए रेलवे की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब एक ऐसे स्टीम इंजन को फिर से पटरियों पर लाने की तैयारी हो रही है जो 26 सालों से कबाड़ बनकर खड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के भुसावल में खड़े इस भाप इंजन को मरम्मत के लिए 20 दिन पहले रेवाड़ी के स्टीम हेरिटेज लोको शेड में लाया गया। यहां इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। यह इंजन निकट भविष्य में रेवाड़ी दिल्ली कैंट और दिल्ली कैंट गुरुग्राम फर्रुखनगर जैसे रूटों पर प्रस्तावित पर्यटक ट्रेन का सारथी बनेगा। दिल्ली कैंट से अलवर के बीच दौड़ने वाली सुप्रसिद्ध फेरी क्वीन के लिए भी ये इंजन विकल्प बनेगा। स्टीम इंजन WG10253 को साल 1955 में बनाया गया था। ये भाप इंजन साल 1992 में आखिरी बार पटरियों पर दौड़ा था। इसके बाद इसे भोसावल में लाकर खड़ा कर दिया गया। 26 सालों से इंजन वहीं पर खड़ा हुआ था। उत्तर रेलवे की टीम ने सितंबर 2017 में भुसावल में इस इंजन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि इस इंजन को फिर से पटरियों पर दौड़ाया जाएगा। इंजन को मरम्मत के लिए रेवाड़ी लोको शेड लाया गया। यहां विशेषज्ञों की टीम इसे ठीक करने में जुटी है। इंजन के कई हिस्सों, सस्पेंशन, बैरिंग और पहियों को लेकर काम किया जा रहा है। रेवाड़ी स्टीम हेरिटेज लोको शेड में स्टीम इंजन नंबर 7161 को भी तैयार किया जा रहा है। इसका नाम अकबर है। इसके साथ ही इंजन नंबर WP7200 पूरी तरीके से तैयार है। अकबर भी जल्द ही पटरियों पर छुक छुक कर दौड़ता नजर आएगा। यहाँ बताना जरूरी है कि अकबर गदर एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग, सुल्तान जैसी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। इतिहास को तरोताजा करते भाप इंजनों से रेलवे भी अपनी आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। समय समय पर भाप इंजनों को ट्रैक पर दौड़ाया जाता है। लोको शेड में तैयार हो रहे ये भाप इंजन शीघ्र ही सैलानियों को सैर कराते हुए नजर आएंगे। फेरी क्वीन की अगर बात की जाए तो ये सबसे पुराना इंजन माना जाता है। 1855 में इस इंजन का निर्माण किया गया था। भाप से चलने वाले ये इंजन कई बार ट्रैक पर दौड़ चुके हैं। फेरी क्वीन की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसके पानी के टैंक की क्षमता महज 3000 लीटर की है। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच इसमें दो बार पानी भरा जाता है। कई बॉलीवुड फिल्मों में ये अपनी शान दिखा चुका है। मीडिया हलचल के लिए रेवाड़ी से विशेष संवाददाता मोहित जोशी की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।